नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से रिकमेंड आया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक में होगा 11 मंथ के लिए, जो पोस्ट है 117। वीडियो को शुरू करने से पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेम ऑफ पोस्ट होस्टल सुपरिटेंडेंट, यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 7,300, क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएट विथ होस्टल कैपेसिटी होना चाहिए जो इंग्लिश एंड बंगाली का वर्क आना चाहिए। सेकेंड पोस्ट है होस्टल वार्डन, यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, जो ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पोस्ट है लाइब्रेरियन, यूआर के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, ग्रेजुएशन लगेगा विथ डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस। कंप्यूटर ऑपरेटर एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4 पोस्ट है, यूआर के लिए 6 पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, कोलेबोरेशन माध्यमिक होना चाहिए अथवा 12 पास होना चाहिए। डिप्लोमा लगेगा विथ 6 मंथ के लिए डीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 30 वाट इंग्लिश पर मिनट स्पीड लगेगा। फोटोग्राफर के लिए यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, जो माध्यमिक पास अथवा 12 पास होना चाहिए। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, यूआर के लिए 2 पोस्ट है, सैलरी होगा 7,300, जो 12 पास साइंस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, जो रेडियोलॉजी एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस लगेगा। आर्टिस्ट यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 7,300, क्वालिफिकेशन माध्यमिक अथवा 12 पास होना चाहिए, डिप्लोमा फाइन आर्ट्स कैटेगरी से। इलेक्ट्रिशियन एसटी के लिए एक पोस्ट है, यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 20,700, क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन सर्टिफिकेट लगेगा, जो 8 ईयर एक्सपीरियंस लगेगा। कारपेंटर यूआर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, माध्यमिक पास अथवा 12 पास लगेगा, आईटीए कारपेंटर सब्जेक्ट लगेगा। ड्राइवर एससी के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए 1, यूआर के लिए 3 पोस्ट है, सैलरी होगा 1,400, 8 पास ड्राइवर विथ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। प्लम्बर एसटी के लिए एक पोस्ट है, यूआर के लिए 1, सैलरी होगा 20,700, माध्यमिक जो क्वालिफिकेशन लगेगा माध्यमिक पास, प्लम्बर सर्टिफिकेट लगेगा आईटीआई सेक्टर से। लाइब्रेरी अटेंडेंट एसटी के लिए एक पोस्ट है, यूआर के लिए 1, सैलरी होगा 16,000, अटेंडेंट एससी के लिए 8, एसटी के लिए 15, यूआर के लिए 25। चेयर साइड अटेंडेंट के लिए एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, यूआर के लिए 5। कुक के लिए एसटी के लिए एक पोस्ट है, यूआर के लिए 1 पोस्ट है, हेल्पर एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, यूआर के लिए 2 पोस्ट है, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन यूआर के लिए 1 पोस्ट है, मेसन यूआर के लिए 1 पोस्ट है, एससी टेक्नीशियन यूआर के लिए 1, स्वीपर एंड सरपंचर एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, यूआर के लिए 5 पोस्ट है। सिक्योरिटी पर्सन के लिए एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1, यूआर के लिए 3 पोस्ट है, जो 11 से 20 तक जो पोस्ट है सैलरी होगा 16,000, क्वालिफिकेशन लगेगा यूआर के लिए 8 पास, एससी एसटी के लिए 5 पास लगेगा। जो लोग में पोस्ट में अप्लाई करेगा उसके लिए बंगाली कॉकब्रोक लैंग्वेज आना चाहिए। अप्लाई के लिए लास्ट डेट है 29 सितंबर 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2023, जो गोरखा पोस्ट अगरतला में जमा करना पड़ेगा। आप एक फॉर्म के लिए एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, लोग एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करेगा तो अलग अलग फॉर्म लगेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। फॉर्म फिलअप के लिए ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपका नाम लिखेंगे, आपका फादर का नाम, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और जेंडर लिखेंगे। आप पीआरटी से हो तो यस देंगे, पीआरटी से नंबर, डेट इशू करेंगे, कास्ट लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, क्वालिफिकेशन आप लोग फिलअप कर लेंगे, ग्रेजुएट डिप्लोमा 12 पास आईटीआई टाइप आप लोग यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप लोग जो लैंग्वेज में बात कर सकते हो लैंग्वेज लिखेंगे, ड्राइवर लाइसेंस लिखेंगे, टाइपिंग स्पीड जिसका जितना है लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, अपने एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपके यहाँ पर साइन देंगे, डेट प्लेस लिखेंगे, गोरखा पोस्ट में जाकर फॉर्म फिलअप सबमिट कर देंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंदी।